नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपके स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूं, अगर आपके पास एक्सिस बैंक में अकाउंट है और आपके इंटरनेट बैंकिंग के यूजर आईडी और पासवर्ड आप भूल चुके हो तो कैसे आप यहां पर प्राप्त कर सकते हो। मैंने यहां पर डिटेल्स में बताने वाला हूं, यूजर आईडी और पासवर्ड यहां पर आपको लेने के लिए क्या क्या प्रोसेस फॉलो करना है सारे डिटेल्स में बताने वाला हूं। वीडियो को आप लोग कंप्लीट देखते हैं तो अभी जाके आपको पता चलेगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। आपको पहले क्या करना है, अपने मोबाइल पर जो मैसेज बॉक्स है उसको ओपन कर लेना है। इसको ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर टाइप करना है 5616160, यही आपको टाइप करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर टाइप करना है कस्ट आईडी। आपको क्या करना है, सारे बड़े अक्षर में यहाँ पर टाइप करना है आईडी। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर सेंड में क्लिक कर देना है। सेंड में क्लिक करने के बाद अपने इंटरनेट बैंकिंग के कस्टमर आईडी यहां पर मिल जाएगा। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो, मेरे पास यहां पर आ जाएगा। अभी 1-2 सेकंड या 4 सेकंड यहां पर टाइम लगता है। आप यहां पर देख सकते हो, एक्सिस बैंक की तरफ से यहां पर मेरे पास यहां पर कस्टमर आईडी मिल चुका है। आपके पास भी इसी तरीके से अपने कस्टमर आईडी आ जाएगा। हमारे यहां पर इंटरनेट बैंकिंग के कस्टमर आईडी मिल चुका है। उसके बाद हमें क्या करना है, इंटरनेट बैंकिंग के यूजर आईडी के पासवर्ड भी हमें यहां पर क्रिएट करना है। कैसे करना है मैंने यहां पर आगे प्रोसेस बता देता हूं। हमें पहले क्या करना है, गूगल क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है। मोबाइल से भी कर सकते हो, लैपटॉप कंप्यूटर आपके पास जो भी है, आपको क्या करना है, इसको ओपन कर लेना है। उसके बाद आपको यहां पर टाइप करना है एक्सिस बैंक। उसके बाद क्या करना है, आपको सर्च बार में क्लिक कर देना है। सर्च में क्लिक करने के बाद आपको यहां पर दिखाई दे रहा है इंटरनेट बैंकिंग, इसी के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहां पर लॉगिन दिखाई दे रहा है, लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहां पर दिखाई दे रहा है लॉगिन, इसी के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अगर आप मोबाइल में करने चाहते हो तो आपके पास ऐसे वाले ऑप्शन नहीं आएगा, आपको यहां पर लॉगिन दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। उससे पहले मैंने आप लोगों को और एक चीज बता देता हूं, अगर आप मोबाइल में ओपन करने चाहते हो तो आपको क्या करना है, ऊपर 3 डॉट दिखाई दे रहा है, 3 डॉट में क्लिक करना है। नीचे आपको दिखाई दे रहा है डेस्कटॉप साइट, इसी के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो मोबाइल पर जैसे ओपन होगा, कंप्यूटर या लैपटॉप में भी सेम प्रोसेस यहां पर आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है, यहां पर लॉगिन में क्लिक कर देता हूं। लॉगिन में क्लिक करने के बाद आपके पास ऐसे वाले पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको यहां पर दिखाई दे रहा है फॉरगॉट पासवर्ड, तो आपको क्या करना है, इसी के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, अपने लॉगिन आईडी यहां पर डाल देना है। अभी जो हमारे पास मैसेज के थ्रू आया था वही वाले लॉगिन आईडी यहां पर फिल कर देना है। लॉगिन आईडी डालने के बाद आपको यहां पर दिखाई दे रहा है प्रोसीड, इसी के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहां पर क्या करना है, अपने डेबिट कार्ड के जो 16-डिजिट नंबर है वो आपको यहां पर फिल कर देना है। उसके बाद क्या करना है, यहां पर एटीएम पिन, 4 डिजिट का आपके पास जो एटीएम पिन है वही आपको डाल देना है। उसके बाद क्या करना है, यहां पर दिखाई दे रहा है एक्सपायर डेट, आपके डेबिट कार्ड के एक्सपायर डेट आपको यहां पर फिल कर देना है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर महीना डालना है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर ईयर डाल देना है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर ऐसे ही रहने देना है, इसको चेंज नहीं करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है प्लीज एक्सेप्ट, इसी के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। सारे कुछ फिल करने के बाद आपको यहाँ पर प्रोसीड दिखाई दे रहा है, इसी के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके पास ऐसे वाले पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है न्यू पासवर्ड, पासवर्ड आपको कैसे सेट करना है, कुछ बड़ा डिजिट, कुछ छोटा डिजिट, कुछ आपको यहाँ पर स्पेशल कैरेक्टर डालना है। उसके बाद क्या करना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 आपको इसी तरीके से डालना है। साइड में भी आपको दिखाई दे रहा है, कम से कम 8 डिजिट आपको यहाँ पर फिल करना ही है। अब यहाँ पे देख सकते हो, मैंने स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड यहाँ पर फिल कर दिया। यहाँ पर जो पासवर्ड मैंने फिल किया, सेम पासवर्ड आपको भी यहाँ पर फिल करना है। मैंने यहाँ पर भी डाल देता हूँ री एंटर न्यू पासवर्ड। यहाँ पर फिल करने के बाद आपके पास रजिस्टर मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आया, आपको क्या करना है, यहाँ पर ओटीपी डाल देना है। अगर आपके पास ओटीपी नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है, रिसेंट ओटीपी, इसके ऊपर क्लिक करके दोबारा आपको ओटीपी मंगवा लेना है। मेरे पास ओटीपी आ गया, मैं यहाँ पर ओटीपी फिल कर देता हूँ। सारे कुछ फिल करने के बाद आपको यहाँ पर सबमिट दिखाई दे रहा है, सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। सबमिट में क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो, हमारे सक्सेसफुल हो गया। हमें क्या करना है, आप लॉग इन करना है। लॉग इन करने के लिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है लॉग इन पेज, इसी के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। लॉग इन में क्लिक करने के बाद आप इस पेज पर आ जाओगे। उसके बाद क्या करना है, अपने लॉग इन आई डी यहाँ पर डाल देना है, जो मैसेज के थ्रू आया था वही वाले लॉग इन आई डी आपको यहाँ पर फिल कर देना है। मैंने यहाँ पर लॉगिन आईडी फिल कर दिया। उसके बाद क्या करना है, हमने जो अभी पासवर्ड सेट किया था वही वाले पासवर्ड यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर लॉगिन दिखा दे रहा है, लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके पास ऐसे वाले पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है, आपका सबसे पुराना चचेरा भाई का पहला और अंतिम नाम क्या है। आपको क्या करना है, कुछ भी डाल देना है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। मैंने यहाँ पर अपना नाम डाल देता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, कोई भी शहर के नाम आपको यहाँ पर डाल देना है। आप यहाँ पे देख सकते हो, सिटी का नाम पूछा जा रहा है, यहाँ पर आप डाल सकते हो। उसके बाद आपको क्या करना है, तीसरा कॉलम आपको फिल करना है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है आपके पिता की आंखों का रंग क्या है। आपके पास यहाँ पर अलग अलग आ सकता है, मेरे पास जो आया मैंने आप लोगों को वही बता रहा हूँ।
यहाँ पर मैंने ब्लैक डाल देता हूँ। सारे कुछ फिल करने के बाद आपको यहाँ पर छोटा सा बॉक्स दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर ओके दिखाई दे रहा है, ओके के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कॉन्फर्म, कॉन्फर्म के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके पास ऐसे वाले पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, आपको क्या करना है यहाँ पर ओटीपी डाल देना है। अपने रजिस्टर मोबाइल नंबर पे जो ओटीपी आया था मैंने यहाँ पर डाल दिया। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर कॉन्फर्म दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे इंटरनेट बैंकिंग यहाँ पर लॉग इन हो चुका है। उसके बाद अगर आपको जो भी काम करना है यहाँ पर आप कर सकते हो, फंड ट्रांसफर, आरटीजीएस, एनएफटी, आपको जो भी मर्जी यहाँ पर कर सकते हो। उससे पहले और एक चीज आपको ध्यान रखना है, इंटरनेट बैंकिंग लॉग इन करके आपको नहीं छोड़ना है। इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर लॉग आउट दिखाई दे रहा है, लॉग आउट के ऊपर क्लिक कर देना है। आपके इंटरनेट बैंकिंग कभी भी लॉग इन करके नहीं छोड़ना है, ऐसे ही करके आपको लॉग आउट कर देना है।